अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज फिर मैं आपके साथ नई ड्रेस की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये ड्रेस सिंपल सा था, इसके ऊपर कोई मैंने ज़्यादा काम नहीं करवाया, बस थोड़ा बहुत मैंने साइड चौक पे काम करवाया, गला थोड़ा सा बनवाया था, बाकी इसका जो बॉर्डर था वो मैंने एडजस्ट करवाया था सारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके ओवरऑल व्यू की तरफ जाते हैं। तो ये देखें इसका ओवरऑल व्यू कुछ इस तरह का ये ड्रेस था। इसके साथ दुपट्टा भी प्रिंटेड था और शर्ट और दुपट्टा ऑलमोस्ट सेम ही थे। इसके साथ प्रिंटेड ही ट्राउज़र था, ट्राउज़र भी मैंने प्रिंटेड ही लिया था इसके साथ। ये अब हम इसके गले की तरफ चलते हैं। गला जो था वो मैंने स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर के ऊपर मैंने इस तरह से पट्टी एडजस्ट करवाई थी। पट्टी के ऊपर जो थी वो गोल्डर टाइप लेस थी, वो मैंने एडजस्ट करवाई थी। ये देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ मैंने इसका गला बनाया था, और ये इस तरह से पट्टी लगा के पट्टी के ऊपर जो थी वो लेस एडजस्ट करवाई थी। इस तरह से सिंपल सा गला बनाया था, बहुत ज़्यादा मैंने, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था सिंपल सा। बाजू जो थे वो बाजू के आगे मैंने इसका जो बॉर्डर था वो ही एडजस्ट करवाया था। ये देखिए चौड़ा सा बॉर्डर था इसका, ये इस तरह से। और जब चलते हैं इसकी साइड चौक की तरफ, साइड चौक जो थे उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये लूप्स लगवाई थी, चौड़ा स्क्वायर टाइप जो थी। ये काफ़ी इन है आजकल लगी हुई, बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैंने इस तरह से इसके साइडों पर लगवाई थी, और मैंने जो था वो नीचे एजिंग करवाई थी। एजिंग मैं लाजमी करवाती हूँ, आप हर वीडियो में देख सकते हैं। और नीचे जो था वो बॉर्डर ही एडजस्ट करवाया था, और मैंने नीचे की तरफ ही इसके वो ब्लैक कलर की एचिंग की करवाई थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल सा ड्रेस था ये। ये आप कहीं भी पहन सकते हैं, इसका कलर जो था वो मिलाज वगैरह भी पहन सकते हैं, किसी भी मतलब फंक्शन भी पहन सकते हैं, दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। ये देखें बहुत ही प्यारा सिंपल सा ड्रेस था ये। इस तरह ओवरऑल व्यू है ये, इस तरह से आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके गले का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ये इस तरह से बना हुआ था। अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। जो ट्राउज़र था वो इसका प्रिंटेड था, इसलिए इसके ऊपर कोई काम भी बिल्कुल भी वाजा नहीं होना था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बॉक्स ट्राउज़र मतलब खुला ट्राउज़र ही सिलाई करवाया था। ये इस तरह से ये जो ट्राउज़र होता है थोड़ा सा मतलब बिल्कुल लेंथ जो होती है इसकी पूरी पूरी रखनी पड़ती है। अगर लंबा रखेंगे, लेंथ रखेंगे तो ये सूट भी नहीं करेगा और पाँव के नीचे भी आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट रखना पड़ता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट। इसके दुपट्टे की तरफ चलते हैं। दुपट्टा जो था वो शर्ट के साथ की साथ का ही था, और एक तरफ बॉर्डर था एक तरफ नहीं था। इसके साथ मैंने जो इसके दुपट्टे के पल्लू थे उसके ऊपर मैंने ये लैस एडजस्ट करवाई थी, इस तरह से एजिंग करवा के। ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा दुपट्टा लग रहा था लैस की वजह से। ये देखें इस तरह से दुपट्टा बहुत नाइस बन गया था लैस के साथ। ये देखें बहुत ही प्यारा ये सिंपल सा ड्रेस था, मुझे बहुत पसंद आया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।